रोल। जय भीम, WBH न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ विजय खौसे। मैं आज संविधान चौक में हूँ। आज 6 दिसंबर है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन करने यहाँ अम्बेडकरवादी लोग आए हैं। और खास करके मैं बताना चाहूँगा कि राज्यसभा में जो बिल लाया गया है, जो संविधान का प्रियाम्बल है, इसको बदलने की बात हो रही है। हमारे साथ में जो है सुधीर भगत साहब है, जो कि ये दिल्ली में थे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या बात है, क्या बताएंगे सर इस बिल के बारे में जो चर्चा हुई है राज्यसभा में। जय भीम, सबसे पहले मैं आज 6 दिसंबर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इस महामानव को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण। आपका परिचय? मैं सुधीर जनार्दन राव भगत। आपने जो मुझे प्रश्न किया है कि हाल ही में राज्यसभा में जो भारतीय संविधान की जो प्रास्ताविका है, प्रीएम्बल है, उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है और इस संदर्भ में एक खासगी बिल वहाँ दाखिल किया गया है, तो वस्तुस्थिति ऐसी है कि राज्यसभा के जो खासदार है मिस्टर KG अल्फोंस, ये राज्यसभा के BJP के खासदार है और वो पूर्व IAS अधिकारी भी रह चुके हैं, तो इन्होंने तीन तारीख को यानी शुक्रवार को राज्यसभा में भारतीय संविधान की जो प्रास्ताविका है, प्रीएम्बल है, उसमें संशोधन करने के लिए एक प्राइवेट बिल, खासगी बिल उन्होंने दाखिल किया है और इस संदर्भ में राज्यसभा के उपसभापति, जो कि उनका नाम जो है उपसभापति जो महोदय थे हरिवंश सिंह जी, जो राज्यसभा के उपसभापति थे, उनके सामने वो बिल पेश किया गया और उपसभापति महोदय ने चर्चा में लाने के लिए भी उन्हें अनुमति दी, लेकिन RJD के जो सदस्य और विरोधी पक्ष के जो लोग हैं, उन्होंने उस बिल को पारित करने के लिए, उसको चर्चा में लाने के लिए चर्चा ही नहीं होना चाहिए उस बिल पर, क्योंकि ये संविधान की प्रास्ताविका में बदल करने के बारे में ये बिल, खासगी बिल जो सादर किया जा रहा, उसका उन्होंने बड़े जोर शोर से उन्होंने विरोध किया है और ये विरोध करने की वजह से वह बिल अभी चर्चा के लिए वो रिजर्व रखा गया है। क्या आपको लगता है कि ये संविधान में ये जो BJP सरकार है ये बदलाव ला सकती है, पूरा चेंज कर सकती है? ऐसा है कि भारतीय संविधान यह इस देश को कानून के दायरे में चलाने का, जो कानून के जो भी प्रावधान है और संविधान की जो ताकत है वो है जनता, तो इस संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश करने का वो तो प्रयास, निरंतर प्रयास कर ही रही है। ठीक है कि संविधान में जो संशोधन करने का प्रावधान तो संविधान में है, लेकिन जब जनता की कोई मांग ही नहीं, कोई प्रश्न पे कोई मांग नहीं और इस प्रश्न को राज्यसभा में रखकर, जैसा कि ये जो मुद्दा है संविधान की प्रास्ताविका छेड़छाड़ का, जनता की कोई मांग नहीं, लेकिन ये BJP के जो राज्यसभा के खासदार है मिस्टर अल्फांसो, ये अल्फांसो साहब जो है, जो राज्यसभा के सांसद है, इन्होंने जो प्राइवेट बिल द्वारा संविधान की प्रास्ताविका में बदलाव की ये जो मांग की है, उसका हमारी जो संगठनाएं है, जैसा कि हमारी संगठनाएं सम्यक नागरिक संघ, तथागत संघ और ब्लू गार्ड एसोसिएशन, इनके द्वारा हम इस मांग का, ये जो प्राइवेट बिल का हम निषेध करते हैं और इस बिल में मैं क्या कहना चाहते हैं कि ये जो अल्फांसो जो है खासदार साहब, ये उसमें बोलना चाहते हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि हैसियत में अवसर की समानता की गारंटी में जन्म लेने, पढ़ाई लिखाई करने, पेट भरने, रोजगार पाने की समानता ये चाहते हैं ये बिल दाखिल करके, लेकिन ये बातें तो ऑलरेडी स्वतंत्र, समता, बंधुभाव, न्याय, ये तो सारी बातें ऑलरेडी संविधान में और उस प्रस्ताविका में तो आ गई है,
अब ये नए से इसको फिर से इस ढंग से उसको छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? तो इस षड्यंत्र के द्वारा हमारे जो SC ST OBC है, जो लोग ये इनकी जो नौकरियां है, इनकी ये नौकरियां भी ख़त्म करना चाहते हैं। और इस तरह से ये अंदरूनी साजिश जो है लोकसभा बोलो या राज्यसभा के द्वारा ये बिल पारित करने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, उस ये बातें लोगों को मालूम होना चाहिए। इसलिए ये बात हम आपके सामने हमने आज के दिन रखा है। और फिर से जो महामानव ने भारतीय संविधान की निर्मित की है, भारतीय संविधान के शिल्पकार है, उन्हें हम विनम्र अभिवादन करते हैं। भारतीय संविधान का रक्षण करना ही ये हमारा परम कर्तव्य है, ऐसे हमारी मानना है। अभी ये जो बात जो है भारतीय संविधान में जो बदलाव लाने की जो कोशिशें हो रही है, बार बार हो रही है, इसके लिए अगर पूरे देश में जो लोग हैं, देश के लोग भी आवाज़ उठाएंगे। मैं WH न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो सभी के लिए संविधान लिखा है, न कि एक समाज के लिए। ये इसमें सारे समाज के हित की बात डॉक्टर बाबा साहेब ने लिखी है। बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन इसको में बदलाव करता है तो ये बड़ी दुखद बात है। और सभी समाज ने संविधान में जो बदलाव करने की बात हो रही है, इसके खिलाफ़ में आवाज़ उठाने की हमारे भगत साहब ने लोगों से आह्वान किया है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए WH न्यूज़ .in पर भेज दें। जय भीम, जय भीम।